नमस्कार, जीएनए न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। तनुज यादव ने कहा, बेरोजगारी तथा नौकरी के क्षेत्र में केंद्र व प्रदेश की सरकारें युवाओं से कर रही हैं धोखा। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व प्रभारी तनुज यादव ने संगठन में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रोजगार के क्षेत्र में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की है और घोषणा की है कि उन्होंने प्रदेश में सरकार के द्वारा नौकरियों की स्थिति एवं रोजगार से जुड़े तथ्यों को लेकर गलत आंकड़े रखकर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। आइए देखते हैं प्रतापगढ़ से ब्यूरो चीफ अब्दुल लतीफ की खास रिपोर्ट। इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 12 तारीख को हम इसको लॉन्च कर चुके हैं लखनऊ में। और इस प्रोग्राम के तहत आप देख सकते हैं ये बेरोजगारी फॉर्म है जो कि युवाओं से हमें भरवाना है और नीचे इसमें एक स्लिप है जिसमें उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी परिवार के प्रति वो आर्थिक रूप से उन पर डिपेंड है या नहीं है, प्लस इसमें आप देख रहे हैं ऑथेंटिसिटी के लिए एसएमएस रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रोविजन है जिसमें जो भी बेरोजगार युवा इस फॉर्म को भरेगा उसको भरने के बाद उनके मोबाइल पे एक नंबर है हमारा 9152792527 जिसपे मिस्ड कॉल वो करेंगे तो एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी इस फॉर्म में भरना रहेगा। उसके बाद जो हमारा कॉल सेंटर लखनऊ में है वो उस डेटा को कलेक्ट करके उन लोगों से संपर्क करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम 30 दिन की विंडो का प्रोग्राम है जिसको हम 30 दिन में ये फॉर्म पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक ब्लॉक पे भरेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के संघर्ष अभियान में और क्या है? सर, ये युवा कांग्रेस का प्रोग्राम है फिलहाल। पहले हमने राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की थी, अब हम एक नौकरी संवाद कर रहे हैं क्योंकि हम एक युवाओं का संगठन है 18 से और 35 साल के युवाओं का, तो बेरोजगारी ऐसे इस समय में सबसे बड़ा मुद्दा है तो हम बेरोजगारों तक की बातें करते हैं। अभी थोड़ा सा राजनीति से, अपना अन्नदाता सड़क पे है जी, और जो घटना हुई लाल किले की वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके बारे में क्या? सर, ये सवाल का मैं आपको सटीक जवाब इसलिए दे सकती हूँ कि गाजीपुर में जिस राकेश टिकैत पे ये इल्जाम लग रहा है 6 दिसंबर से रोज मैं उनको रोटी खिला रही हूँ, हमने वहाँ रोटी की मशीन लगाई हुई है, हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के पेज पर, सोशल मीडिया के सभी हैंडल्स पर, मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स पर आप उसे देख सकते हैं। ये शुरू हुआ था लगभग 25-26 नवंबर को और 6 तारीख को जब हमने देखा कि ये बढ़ रहा है तो 6 तारीख को हमने अपना लंगर वहां लगाया। ये घटना बिल्कुल फैब्रिकेटेड है, ये घटना भाजपा के लोगों ने करवाई है, किसी किसान ने, कोई किसान, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ क्योंकि मैं वहां रोज मौजूद रहती हूँ, कोई किसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो लोग पारिवारिक लोग, दिल्ली में 2 डिग्री टेम्परेचर पे जब वो एक फ्लाईओवर के नीचे खुले में सो रहे हैं ना और 2 महीने से वहां बैठे हैं तो उन्हें यही करना होता तो दिल्ली में घुसने में उनको थोड़ी देर लगती है। वहां ज्यादा से ज्यादा शुरू में 100 पुलिस बल होगा ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 600 किसान थे, अगर उन्हें यही करना होता तो वो 2 महीने पहले दिल्ली में घुस चुके होते। तो ये बीजेपी के लोगों ने करवाई है, 100% बीजेपी के लोगों ने कराई है और वहां बैठा हर एक व्यक्ति ये जानता है कि ये बीजेपी के। लाल किले पे जो तोड़फोड़ हुई, क्या माना जाए कि इसमें किसान नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे और वो किसान तोड़फोड़ वाले लोग ही नहीं है, अगर वो तोड़ने पे आ गए तो उनको जब वो आईटीओ तक पहुंच गए तो 7 रेस कोर्स रोड वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर तो वो चले ही जाते रुकते।